रुपया कम करते हैं, दूसरे दिन 10 रुपए बढ़ा देते हैं। अपने सिस्टम के लिए आते हैं इन्होंने, जो बड़े बड़े गपले मारने होते हैं। इधरों चीज सस्ती कर दी है, इधरों महंगी कर देंगे। 150 लीटर तेल सी, सवारी किराया भी देंदी सी, मुहब्बत भी कर दी सी। उन्होंने बच्चे एशिया से लंदन, अमेरिका, यूरोप हर पासे घूम रहे हैं, असी रशके दे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतीक मलिक और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान। नाज़रीन, बजट के बाद गवर्नमेंट की जानिब से आवाम पर पहला पेट्रोल पम्प गिरा दिया गया है और गुज़श्ता रोज़ से ही 7.45 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है और अब पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। और इस हवाले से आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है और पेट्रोल की नई कीमत पर आवाम क्या कहते हैं, आइए उनसे जानते हैं। ये बता दें, पेट्रोल महंगा हो गया है, क्या लग रहा है कि अब महंगाई मज़ीद बढ़ेगी? महंगाई तो बढ़ेगी सर जी, महंगाई कम तो हो नहीं रही। बड़ी पेट्रोल सस्ता होता तो महंगाई कम होती? नहीं, कम नहीं होती। दरअसल एक दफ़ा पेट्रोल महंगा हो गया तो फिर महंगाई ने बढ़ना ही है, चाहे पेट्रोल बेशक नीचे आ जाए लेकिन महंगाई नहीं नीचे आएगी। जैसे कि आटे के रेट, उसके अलावा दालें, घी वगैरह कुछ, ये तो बढ़ेंगे ही लेकिन मज़ीद नीचे नहीं आएंगे। पेट्रोल आ सकता है 2-3 रुपए लेकिन ये रेट नहीं है नीचे। रिलीफ देते हैं 5 मिनट के लिए और उसके बाद ऐसा बंदर बनाते हैं कि इंसान का दिल करता है कि इनको गंदी गंदी गालियाँ दें। दुखी है और इन्होंने दुखी करता है। होश था इमरान गांधी हुकूमत सी, 150 लीटर तेल सी, सवारी किराया भी देंदी सी, मुहब्बत भी करती सी। इन्हों की हुकूमत आई है, हर शा लुटी पई। बिल कह रहे इनका सस्ता, अगे 6 महीने बाद, साल बाद वादा सी, और महीने बाद यूनिट बढ़ी जाता, गैस का भी, बिल का भी। इधरों चीज़ सस्ती करते हैं, इधरों महंगी कर देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई वजह नहीं, वो आपका ही कुछ भरी जाते हैं। गरीब आवाम मर रही है, उन्होंने कोई नहीं। उन्होंने बच्चे एशिया से लंदन, अमेरिका, यूरोप हर पासे घूम रहे हैं, असी रशके दे। असी किराया मांग लीए 20 रुपये, सवारी साढ़े गल पैंती। तेल वेख लो जी, 7 रुपये घटाते, 3 रुपये तो 10 बढ़ा देंगे। यही उन्होंने हुकूमत है, वो इमरान खान की हुकूमत बैन सी। बस इन्हें हुकूमत नहीं होती, ये सिर्फ आधा जेब भरना। इन्हें 2 रुपये पेट्रोल कम करके 10 रुपये बढ़ा देते हैं। इनका तो ये मतलब कि काम चल रहा है ना, इनको क्या लगे कोई मजदूर बंदा है, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं, इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है। इनका तो मुल्क चल रहा है ना जैसे चल रहा है। जी बिल्कुल, तो आपको नुकसान होता है वो खुद बियर करते हैं। जी बिल्कुल, खुद को ही पड़ता है क्योंकि डिलीवरी चार्जेस जो हैं वो बढ़ नहीं रहे, वो वहीं पर रेट है, तो जो नुकसान होता है वो हमें खुद को मैनेज करना पड़ता है। पेट्रोल सस्ता किया तो बाकी चीज़ा भी सस्तियाँ कर, पेट्रोल महंगा तो आटोमैटिकली बाकी चीज़ा महंगिया हो जानी है। तो गल है कि जूस तो निकलता है आवाम का, तो आवाम वास्ते साढ़े सियासतदान जोड़े ने वो वोट लैन तो पहले तो बड़े नारे मारते हैं, मगर जो इलैक्शन जित जाते हैं फिर उस तो बाद सानू जानता ही कोई नहीं। लफज एडे एडे बड़े ने इन्होंने सुना वास्ते। ठीक है, बात ये है कि इन्होंने जो है ना हमें वो जानवर समझ रखा है। ठीक है ना, जानवर नहीं होता, जैसे सोटी पकड़ के ऐसे इधर को लगा दिया, इधर को लगा दिया, ये इन्होंने समझा। अपने याशी के लिए इनके पास जो भी है, ठीक है, हर कुछ है। हम गरीबों के पास क्या है, खाने के लिए सिर्फ आटा है। ठीक है ना, आटा ही वो पिछले दिनों में तकरीबन 750 का किया था, अब फिर 900 का हो गया, 900 950 का। जो भी आता है अपने सिस्टम के लिए आते हैं, आवाम के सिस्टम के लिए नहीं आते। ये अपने सिस्टम के लिए आते हैं, इन्होंने जो बड़े बड़े गपले मारने होते हैं ये जो भी को मज़ा है, ये हमारे लिए कोई भी नहीं आते। पूरी दुनिया में होती है लेकिन यहाँ पे उलट रिवाज चल रहा है ना, एक दिन रुपया कम करते हैं, दूसरे दिन 10 रुपये बढ़ा देते हैं। तो क्या कर सकते हैं, अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, इनका किबला दुरुस्त। हम लोग सब आखिरली उम्र में पहुँचे हुए हैं, तो कम अज़ कम सोचना चाहिए हमें, तो आगे भी हिसाब देना है हम लोगों ने जाके।